आज गोरखपुर से बलिया जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बलिया से सीएम वाराणसी आएंगे। कार्यक्रम के बाद वापस लखनऊ लौटेंगे सीएम योगी। कोविड नॉन कोविड वार्ड का भी करेंगे निरीक्षण, वैक्सीनेशन सेंटर का भी जायजा लेंगे सीएम। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बता रहे हैं, जो आज गोरखपुर से बलिया दौरे पर होंगे। वहीं बलिया से सीएम योगी आज वाराणसी पहुंचेंगे। कार्यक्रमों के बाद सीएम योगी वापस लखनऊ लौटेंगे। कोविड और नॉन कोविड वार्ड का भी वो निरीक्षण करेंगे, वहीं वैक्सीनेशन सेंटर का भी जायजा लिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से बलिया दौरे पर हैं। आपको बता दें कि बलिया से सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर भी होंगे, जिसके बाद कार्यक्रम समाप्त करने के बाद वह लखनऊ वापस लौट जाएंगे। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रमों में वह कोविड नॉन कोविड वार्ड का भी निरीक्षण करेंगे, साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी वह जायजा लेंगे। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनीष मिश्रा जी, आज जिस तरीके से सीएम योगी का कार्यक्रम देखा जा रहा है, इसमें क्या कुछ अहम कार्यक्रम शामिल होंगे? शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लखनऊ से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज बलिया दौरे पर हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर से वह बलिया दौरे पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वह बलिया से वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे, जहां पर वह तमाम कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसके बाद वह वापस लखनऊ लौट आएंगे। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनीष मिश्रा, जिस तरीके से आज कार्यक्रम देखा जा रहा है, जहां पर सीएम योगी गोरखपुर से बलिया दौरे पर और बलिया के बाद वाराणसी दौरे में है, ऐसे में क्या कुछ अहम कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? मनीष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आज दो दौरे देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद आज अंतिम दिन अपने दौरे के गोरखपुर अंतिम दिन वो आज वापस बलिया पहुंचेंगे। बलिया में कार्यक्रम संपन्न करने के बाद वो वाराणसी के दौरे पर होंगे, जिसके बाद वो वापस लखनऊ लौट आएंगे। ऐसे में वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें से आपको बता दें कि वो आज वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेंगे, साथ ही कोविड और नॉन कोविड वार्ड्स का भी वो निरीक्षण करने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां पे आज वो बलिया पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर थे। आज गोरखपुर का 3 दिवसीय दौरे का अंतिम दिन है, जिसके बाद वो आज गोरखपुर से रवाना होकर बलिया पहुंचेंगे, जहां पर वो कोविड और नॉन कोविड वार्ड्स का निरीक्षण करेंगे, साथ ही वहां पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे, साथ ही वहां पर की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे, साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर का भी वो निरीक्षण करने वाले हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनीष, जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बलिया का दौरा है, ऐसे में बलिया में क्या कुछ अहम कार्यक्रम देखने को मिलने वाले हैं? तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं बलिया, वहीं बलिया के बाद वह आज वाराणसी का भी दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि बलिया और वाराणसी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा करने वाले हैं, साथ ही कोविड और नॉन कोविड वार्ड्स का भी वो निरीक्षण करेंगे। वहीं बिकरू कांड मामले में बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहां विकास दुबे के चचेरे भाई शिवम पर कार्यवाही की गई है। शिवम दुबे पर हुई एनएसए की कार्यवाही, डीएम ने एनएसए की फाइल पर लगाई मोहर, पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था शिवा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कानपुर से जुड़ी बता रहे हैं, जहां बिकरू कांड मामले में एक बड़ी कार्यवाही सामने आई है। आपको बता दें कि विकास दुबे के चचेरे भाई पर कार्यवाही की गई है,
शिवम दुबे पर एनएसए की कार्यवाही की गई है। डीएम ने एनएसए की फाइल पर मुहर लगाई है। पुलिसकर्मियों की हत्या में शिवम शामिल बताया जा रहा था। तो बड़ी खबर इस वक्त बिकरू कांड से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां बिकरू कांड मामले में वही इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, बिकरू कांड से जुड़ी क्या कुछ अपडेट और मिल पा रही है? शायद शिवा से हमारा संपर्क टूट गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त बिकरू कांड से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिकरू कांड मामले में बड़ी कार्यवाही की गई है, जहां विकास दुबे के चचेरे भाई शिवम पर एनएसए की कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि डीएम ने एनएसए की फाइल पर मुहर लगा दी है। पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में शिवम भी शामिल बताया जा रहा था, जिसके बाद आज उस पर एनएसए की कार्यवाही की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त बिकरू कांड से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। वही लखनऊ में इस वक्त चोरों के हौसले बुलंद, सिपाही के बंद घर को चोरों ने बनाया है अपना निशाना। सिपाही के घर से लाखों रुपए की चोरी की है। वही सोने के गहनों पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। थाना गोमती नगर के खरगापुर के पास की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे, जहां एक सिपाही के बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया है। आपको बता दें कि सिपाही के घर से लाखों रुपए की चोरी की गई है। वही सोने के गहनों पर भी चोरों ने हाथ साफ किया है। सोने के गहने हैं उनको भी चोरी कर लिया गया है। थाना गोमती नगर के खरगापुर के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में हो रही है वसूली। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड से वसूली का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मिली भगत से वसूली चल रही है। पहले भी कई वीडियो इस तरीके से वायरल हो चुके हैं। तो लखीमपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में खुलेआम वसूली चल रही है। जहां जिला अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में वसूली का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मिली भगत से वसूली का काम चल रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, पर अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं देखने को मिली है। तो लखीमपुर में इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखी गई है, जहां खुलेआम वसूली की जा रही है। वसूली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।